पेंच इलाके में कोयला माइंस में हो रही ब्लास्टिंग से लोग परेशान हैं। ब्लास्टिंग की वजह से मकानों में दरारें पड़ने लगी हैं। माइंस में हो रही ब्लास्टिंग के विरोध में विधायक सोहन बाल्मीकि ने प्रशासन को ज्ञापन दिया और इसे तत्काल रोकने की मांग की है। पेंच क्षेत्र के उर्धन और निहारिया कोल माइंस में हो रही ब्लास्टिंग के चलते आसपास के रहवासी इलाकों में मकानों की दीवारों और छतों में दरारें पड़ने लगी हैं। इससे लोग परेशान हो रहे हैं, जिसको लेकर रहवासियों ने इंटक अध्यक्ष से संपर्क कर एसडीएम को ज्ञापन दिया, जिसमें माइंस मैनेजर और प्रबंधन के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराकर उचित कार्यवाही की मांग की है। यदि एक सप्ताह के अंदर कार्यवाही नहीं की गई तो इंटक यूनियन की तरफ से जन आंदोलन किया जाएगा, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। आज माननीय एसडीएम साहब को प्लास्टिक कोयला खदान मजदूर संघ इंटक की ओर से एक ज्ञापन सौंपा गया है। इसके पहले भी हम लोग ने एसडीएम साहब को पत्र लिखा था कि उर्धन माइन में अभी 3 दिन 4 दिन पहले एक ब्लास्टिंग की 9 तारीख को ब्लास्टिंग की गई थी, और ब्लास्टिंग के उपरांत लोगों के घर में पत्थर चला गया, लोगों के नुकसान हुआ, शीट टूटी, खेतों में चला गया जहाँ लोग किसान काम कर रहे थे। तो ये नहरिया प्रबंधक जो उर्धन का है और नहरिया प्रबंधन जो दिल है सवरिया मैनेजर, ये इनकी लापरवाही के कारण ये स्थिति बन रही है और हम इसका सख्त विरोध करते हैं। ये तो इत्तेफाक था कि वहाँ कोई बड़ी दुर्घटना घटी नहीं, मगर क्षति हुई है, मकानों की क्षति हुई है, फसलों की, ऐसे अनेक अनेक जगह में पत्थर गए जिससे लोगों को नुकसान, भारी नुकसान पहुंच सकता था। तो इसी के विरोध में आज मैंने एसडीएम साहब से कार्रवाई के लिए लिखा है। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।